ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 11 तारीख से 12 तारीख तक का समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का समय है। इसके बाद मार्गशीर्ष मास प्रारंभ होगा और कृष्ण पक्ष का समय भी शुरू हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 11 तारीख से। 11 तारीख सोमवार को चतुर्दशी तिथि रहेगी। अश्विनी नक्षत्र होगा, केतु का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है और चंद्रमा मेष राशि से गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय में अधिक भागदौड़ होने वाली है। सोमवार के दिन लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। इस दिन आपको अपने मित्रों का फोन आ सकता है, जिसके चलते आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेवारियां भी सोमवार को पड़ने वाली है। भागदौड़ अधिक रहेगी, जिस वजह से कुछ मामलों में मन परेशान भी हो सकता है। हालांकि वृषभ राशि वाले अधिकतर लोग इस समय को मौज मस्ती में भी बिताने वाले हैं और यह समय घूमने फिरने मौज मस्ती में बीतेगा। कुछ मनपसंद चीजें आप इस दिन प्राप्त करने वाले हैं, जिसके चलते धन भी खर्च होगा। अपने शौक पूरे करने के लिए वृषभ राशि वाले इस समय में धन को खर्च करेंगे। वृषभ राशि वालों के पास इस दिन कुछ लोग मदद मांगने भी आ सकते हैं और आप दूसरों की मदद करने को भी तैयार रहेंगे। वृषभ राशि वालों को अपने काम के लिए नया रिस्क इस दिन नहीं लेना चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट, नया निवेश करने से बचें और नए लोगों पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। सब्र धैर्य बनाकर चलना आपके लिए उचित होगा। कंसंट्रेशन आपकी खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अपने कामों में आपका मन लगा रहे, इस बात का ख्याल भी आपको रखना है। बात करें 12 तारीख मंगलवार की, इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। भरणी नक्षत्र होगा, शुक्र का नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा मेष राशि से गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों को मुकदमेबाजी में इस दिन जीत मिल सकती है। इस दिन आप अपने शत्रुओं पर जीत दर्ज करने वाले हैं। पुराने उधार की वापसी होगी, नए काम के लिए धन की व्यवस्था होगी, विदेशी कामों में सफलता प्राप्त होगी, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। यह समय आपके लिए काफी उचित होगा। पुरानी बीमारियों से छुटकारा इस समय में मिलेगा। सामाजिक कामों में आपकी रुचि इस दिन बढ़ने वाली है। वृषभ राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। अपनी जॉब में नए काम मिलने की पूरी उम्मीद होगी। लोग आपकी राय लेना पसंद करेंगे और लोग आपके आसपास रहेंगे। आपका एक नया रोब और एक नया दबदबा कायम होगा। वृषभ राशि वाले अपने कामों के लिए इस समय में नया निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करते समय सोच समझकर विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी किसी काम में ना हो, इस बात का ख्याल रखें और थोड़ा सा ध्यान आपको ट्रैवलिंग में रखना होगा। बात करें 13 तारीख बुधवार की, इस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। कृतिका नक्षत्र रहने वाला है, सूर्य का नक्षत्र होगा और चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करेंगे। यह दिन आपके लिए आपके सुखों को बढ़ाने वाला है। कई तरह की मनपसंद चीजें प्राप्त होंगी। जमीन जायदाद के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। वाहन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। मित्रों से लाभ मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद इस समय में मिलेगा। घर के रुके हुए कामों को निपटाने में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। नई नई चीजें भी आपके घर में आ सकती हैं। वृषभ राशि वाले इस समय में नया निवेश करेंगे तो फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा। यह दिन आपके लिए शुभ और उचित होगा। इस दिन वैवाहिक जीवन भी खास रहेगा। व्यापारिक गतिविधियां भी तेज गति से आगे बढ़ेंगी। इनकम अच्छी होगी और कुछ मामलों में आपके खर्च भी होंगे। बात करें 14 तारीख गुरुवार की, इस दिन द्वितीया तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है, चंद्रमा का नक्षत्र होगा और चंद्रमा वृषभ राशि से ही गोचर करेंगे। नए लोगों से मिलने जुलने के लिए, नई प्लानिंग के लिए, नई डील साइन करने के लिए यह दिन बहुत खास होगा। इस दिन आपका जोश, उत्साह, हिम्मत देखने वाली होगी। काम करने की गति भी बढ़ेगी, मेहनत भी आप अधिक करेंगे। मुश्किल कामों को आप अपनी मेहनत से आसान बनाएंगे। धर्म में, पूजा पाठ में भी विशेष रुचि हो सकती है। धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। भाई बहन से वाद विवाद दूर होंगे। मित्रों के साथ नाराजगियां भी दूर होंगी। समय आपके लिए बहुत शुभ और खास होगा। बात करें 15 तारीख शुक्रवार की, इस दिन तृतीया तिथि रहेगी।
मृगशीर्षा नक्षत्र रहेगा। मंगल का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है और चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी मात्रा में धन लाभ का ये दिन है। शुक्रवार का दिन अचानक से सट्टे लॉटरी में धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। शुक्रवार का दिन एक लक्की दिन माना जाएगा। राजकीय सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी। पिताजी से फायदा मिलेगा और घर से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के लोगों की कामयाबी से मन प्रसन्न होगा। मांगलिक कार्य घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी कामों में सफलता और व्यापार को लेकर कोई नई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। पार्टनरशिप में चलने वाले बिजनेस में लाभ मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर की कामयाबी को देखकर भी मन प्रसन्न होगा। वैवाहिक जीवन इस दिन बहुत खास रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा। लव लाइफ भी इस दिन खास रहेगी। बात करें 16 तारीख शनिवार की, इस दिन चतुर्थी तिथि रहने वाली है। आद्रा नक्षत्र होगा, राहु का नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे। आपके धन के भाव से बड़ी मात्रा में अचानक फायदा मिलेगा। सोच समझकर विचार करके इस दिन आगे बढ़ना चाहिए। कागजी कामों में थोड़ी सावधानी रखें। कारोबार में बहुत बड़ा फायदा इस दिन होने वाला है और यह समय बहुत अच्छा है। परिवार में किसी से बहस ना हो, बस इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। हर तरीके से यह समय आपको धनवान बनाएगा। बात करें 17 तारीख की, 17 तारीख रविवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र होगा, बृहस्पति का नक्षत्र रहने वाला है। शाम तक चंद्रमा मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन लाभ से भरा होगा। हर तरीके से गुप्त धन मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। समुद्री यात्राएं हो सकती हैं, घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है। आध्यात्म में, पूजा पाठ में आपकी विशेष रुचि रहेगी। हर तरीके से यह दिन आपके मान सम्मान को अपनी जॉब में बढ़ाने वाला है। अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा। मन चाही जगह पर इस दिन आपकी ट्रांसफर हो सकती है। जिनकी इस दिन छुट्टी होती है, परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करेंगे। बच्चों को चल रही परेशानियां इस दिन दूर होंगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन खाने पीने का ख्याल आपको इस दिन रखना होगा और देर रात तक घर से बाहर बिल्कुल भी ना रहें। दोस्तों, इस सप्ताह में कई दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और खास होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।